एक बार एक गांव में एक घुड़सवार आकर रुका। द्वार पर बैठे एक बूढ़े आदमी से उसने पूछा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना पुराना गांव छोड़ दिया है और नए गांव की तलाश में हूँ जहाँ निवास कर सकूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं, यह गांव कैसा है, अगर अच्छा हो तो मैं यहाँ बस जाऊँ। उस बूढ़े ने उस घुड़सवार को नीचे से ऊपर तक देखा और फिर कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दें। मैं जानना चाहता हूँ कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे आपने छोड़ दिया। यह बात सुनते ही उस आदमी की आंखें क्रोध के अंगारों में भर गई और उसने कहा कि उस दुष्ट गांव से बदतर लोग जमीन पर कहीं भी नहीं हो सकते, उन्हीं दुष्टों के कारण मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा है और यह आशा और प्रार्थना लेकर गांव छोड़ा हूँ कि जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति होगी उन्हें बताऊंगा। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका फल उन्हें निश्चित ही चखना पड़ेगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि फिर क्षमा करें, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 70 वर्षों से इस गांव में रह रहा हूँ, इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं, आप और कोई गांव खोज लें, इस गांव में लोग अच्छे नहीं हैं। वह घुड़सवार जा भी नहीं पाया था कि पीछे से एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उसमें सवार आदमी ने पूछा कि बाबा क्या मैं पूछ सकता हूँ इस गांव में लोग कैसे हैं, मैंने अपना गांव छोड़ दिया है। उस बूढ़े ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े संयोग की बात है, अभी मैं इसका उत्तर दिया ही हूँ लेकिन फिर भी मुझे पूछना पड़ेगा, तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे जिसे तुमने छोड़ दिया? उस घुड़सवार के सवार की आँखें खुशी के आंसुओं से भर गई, उनकी स्मृति भी मुझे आनंद से भर देती है। उतने प्यारे लोग शायद पृथ्वी के किसी गांव में खोजने से ना मिले। दुर्भाग्य मेरा कि किसी मुसीबत में मुझे यह गांव छोड़ना पड़ा और यही आशा लेकर गांव छोड़ा हूं कि जब भी सौभाग्य होगा तब वापस उसी गांव में जाकर बस जाऊंगा। तो कैसे हैं इस गांव के लोग? उस बूढ़े ने कहा बैलगाड़ी गांव के भीतर मोड़ लो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ मैं 70 वर्षों से इस गाँव में हूँ, इस गाँव से प्यारे और अच्छे लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं खोजे जा सकते। मैं भी उस गांव के दरवाजे पे था और मैंने उस बूढ़े आदमी की ये दोनों बातें सुनी। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, अगर मैंने एक बात सुनी होती तो ठीक था। पहले आदमी से उसने कहा था कि इससे बुरे आदमी कहीं भी खोजने कठिन है और दूसरे आदमी से उसी ने कहा कि इस गांव से अच्छे आदमी खोजना कठिन है। जब वह बैलगाड़ी भीतर चली गई तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, इस गाँव के लोग आखिर हैं कैसे? उस बूढ़े ने कहा हर गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसे आप होते हैं, गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं, आप स्वर्ग हो, गांव स्वर्ग हो जाता है अगर आपके भीतर प्रेम है, गांव नरक हो जाता है अगर आपके भीतर घृणा है।